गाइस म्यूजिक सुनना और उसके साथ डांस करना भला किसे पसंद नहीं होता है। लेकिन गाइस आज की वीडियो में हमें किसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें नाचते नाचते लोगों की मौत हो गई। यह एक अनसुलझा रहस्य है। यह माना जाता है कि यह घटना यूरोप के स्ट्रासबर्ग में 1518 में घटी थी। घटना के अनुसार स्ट्रासबर्ग की रहने वाली एक सामान्य सी महिला जिसका नाम फ्राउ ट्रॉफी था, वह अपने घर से नाचते हुए बाहर आंगन में आ गई। उस महिला को नाचने के लिए किसी भी संगीत की जरूरत नहीं थी। वह अपनी धुन में मस्त होकर नाचते नाचते ऐसे में सड़क पर आ गई। उस महिला की हरकत के कारण लोग उसे पागल कहने लगे तो कुछ लोगों ने कहा कि इसे पागलपन का दौरा पड़ा है। लोग उस महिला को देखकर हंस रहे थे, लेकिन इन सभी से बेखबर होकर वह महिला अपनी ही मस्ती में नाच रही थी। उसके कदम रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। उस महिला के चेहरे पर न किसी बात की खुशी थी और न ही किसी प्रकार का भाव। घंटों बीत गए लेकिन उसने नाचना बंद नहीं किया। आश्चर्य तो तब हुआ जब उस महिला के पड़ोसियों ने भी उसके साथ नाचना शुरू कर दिया। इस प्रकार सड़क पर करीब 34 लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन इनमें से किसी ने भी नाचना बंद नहीं किया। नाचते नाचते उन्हें रात हो गई और रात के बाद उन्हें सुबह हो गई, लेकिन फिर भी उनके कदम नहीं रुक रहे थे। वे बिना कुछ खाए पिए अपनी ही धुन में मस्त होकर नाच रहे थे। उनमें से कुछ लोग धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगे और हाँपते हाँपते दम तोड़ने लगे, लेकिन इन सबके बावजूद भी उनके साथियों ने नाचना बंद नहीं किया। इस प्रकार करीब 15 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन की चिंता बढ़ने लगी और उन्होंने उस जगह पर आग लगा दी, लेकिन नाचने वाले लोगों पर इसका भी कोई असर नहीं पड़ा। इस बीच यूरोप के अन्य हिस्सों से भी इस प्रकार की जानकारी मिलने लगी। अधिकांश लोगों ने इसे भूत प्रेत, तो कुछ लोगों ने इसे तंत्र विद्या कहा, तो कुछ लोगों ने इसे महामारी का नाम दिया। प्रशासन की तमाम कोशिशें नाकाम रही। लोग नाचते रहे और मरते रहे। कुछ लोग थकान के कारण, कुछ लोग दिल के दोहरे के कारण, तो कुछ लोग कमजोरी के कारण ऐसे ही मरते रहे। फिर एक दिन सड़कें सुनसान हो गई, लोगों का नाचना बंद हो गया। प्रशासन की नजर में ये एक प्लेग था जिसमें करीब 400 लोगों की मौत हुई थी। इतिहासकारों ने इसे डांसिंग प्लेग का नाम दिया है। अब तक कोई नहीं जानता कि डांसिंग प्लेग किस रहस्य के साथ शुरू हो और कैसे खत्म हो गया। इस घटना के बाद फ्राउ ट्रॉफी को ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन इस बारे में कोई सुराग नहीं मिला। डांसिंग प्लेग अचानक से शुरू भी हुआ और एक रहस्य के साथ खत्म भी हो गया। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।